टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जिसमें हम आज सबसे पहले ये चीज सीखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम के हवाले से। नेशनल इनकम या कौमी आमदनी का मतलब होता है एक मुल्क में रहते हुए वहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस मुल्क में एक साल की जो भी प्रोडक्शन होगी या जो भी सर्विसेज हासिल होगी उसको कैलकुलेट करना, उसे हासिल करना, वो उस मुल्क की नेशनल इनकम या कौमी आमदनी कहलाती है। तो ये था नेशनल इनकम। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज जीडीपी एंड जीएनपी, यानी कि इसके फैक्टर्स हैं नेशनल इनकम के। एक का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक का नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी से मुराद उस मुल्क की रिसोर्सेज, यानी कि उस मुल्क में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और उसके सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस मुल्क का जो भी आउटपुट या सर्विसेज हासिल होगा, यानी कि एक मुल्क में रहते हुए उस मुल्क के लोगों ने जो काम किया और वहां से जो भी पैदावार हासिल हुई, वो फसलों से हासिल हो सकती है, वो इंडस्ट्रीज से हासिल हो सकती है, वो सर्विस सेक्टर से हासिल हो सकती है, उन सबको एक्युमुलेट यानी कि जमा किया जाता है, वो उस मुल्क की जीडीपी या उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमारे जो रिलेटेड जो दोस्त रिश्तेदार बाहर के मुल्कों में जैसे कि दुबई, सऊदी अरब, यूरोप वगैरह में जो काम कर रहे होते हैं, वो वहां से जो रेमिटेंसेस यानी कि जो जरे मुबादला अपने मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में भेजेंगे, वो इस मुल्क का जीडीपी नहीं कहलाएगा। यानी कि जो लोग जिस मुल्क में काम करते हैं, जहां से वो पैसा कमाते हैं, जीडीपी का जो हिस्सा है वो उसमें जमा हो जाएगा, यानी कि वो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं कहलाएगी। जहां पे सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो इस मुल्क की जीडीपी का हिस्सा कहलाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम जीएनपी की तरफ। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोथ जीडीपी और जीएनपी में बस थोड़ा सा फर्क वो ये है कि जीएनपी में भी जीडीपी की तरह उस मुल्क के रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो भी आउटपुट हासिल होती है वो जीएनपी कहलाती है। लेकिन जो मामूली सा फर्क है वो ये है कि जीएनपी के अंदर रेमिटेंसेस, यानी कि जो लोग हमारे दूसरे मुल्कों में सऊदी अरब, दुबई या यूरोप वगैरह के अंदर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहां से जो ज़रे मुबादला, जो रेमिटेंसेस अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान में भेजते हैं, वो जीएनपी में कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी कोई डेप्रिसिएशन है, हमारी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, यानी कोई मशीनरी वगैरह हम उसमें वो खराब होती है, उसको उसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसको जो अमाउंट हम पे करते हैं वो भी इसके अंदर कैलकुलेट होता है। अगर हम एक लाइन में ही समझना चाहें कि जीएनपी और जीडीपी का फर्क क्या है, तो जीडीपी और जीएनपी का जो बुनियादी फर्क वो रेमिटेंसेस का है, यानी कि जरे मुबादला का है। जीडीपी के अंदर और जीएनपी के अंदर दोनों में हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, यानी कि उस मुल्क के जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैपिटल को यूज करते हैं। और जीएनपी के अंदर बस आपके जो रेमिटेंसेस होते हैं वो शामिल होते हैं, जबकि जीडीपी के अंदर रेमिटेंसेस शामिल नहीं होते।